हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला के कोटगढ़ वनमंडल क्षेत्र में भालुओं द्वारा पालतू जानवरों पर लगातार हो रहे हमले से लोगों में दहशत है। कोटगढ़ के कीर्ति पंचायत क्षेत्र में एक हफ्ते के भीतर भालू ने आधा दर्जन से अधिक गौशालाओं को तोड़कर पशुओं पर हमला किया है, इसलिए लोगों ने सरकार व वन विभाग से जल्द भालुओं को पकड़ने की गुहार लगाई है। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला के कोटगढ़ वन मंडल क्षेत्र में भालुओं द्वारा पालतू जानवरों पर लगातार हो रहे हमलों से लोग दहशत में हैं। कोटगढ़ के किरट्टी पंचायत क्षेत्र में एक हफ्ते के भीतर भालू ने आधा दर्जन से अधिक गौशालाओं को तोड़कर पशुओं पर हमला किया है, जिनमें से कुछ दुधारू गाय मार दी और कुछ चकमी की है। लोगों का कहना है कि भालू गौशालाओं की मजबूत खिड़की दरवाजों को तोड़कर अंदर प्रवेश कर रहा है और पशुओं को मार रहा है। ऐसे में लोगों को डर है कि कहीं भालू अब लोगों के घरों में प्रवेश कर मनुष्य को ही शिकार न बना ले, इसलिए लोगों ने सरकार और वन विभाग से जल्द भालुओं को पकड़ने की गुहार लगाई है। गांव में लोगों के दहशत को देखते हुए स्थानीय विधायक समेत वन विभाग की टीम ने मौके का मुआयना किया और भालुओं को पकड़ने की कवायद तेज कर दी। दलान गांव की चंद्रकला ने बताया कि उनकी गौशाला में भालू ने खिड़की व दरवाजा तोड़कर प्रवेश किया, अंदर दो दुधारू गौओं को मार दिया। अब उनके घर बुजुर्ग है जो दूध लस्सी के बगैर खाना नहीं खाते, उन्हें खाना कैसे खिलाएं। मेरी गाय भालू ने मार दी दो गाय, और मैं बिना गाय के रह नहीं सकती क्योंकि मेरे घर में जो है बुजुर्ग माँ भी है, अफाइज है बेचारी, खाना खा नहीं सकती, दांत है नहीं उनके, बिना दूध के और लस्सी के वो खाना नहीं खाती। तो वे कैसे गया भालू इसमें? भालू इसमें जो है दरवाजा तोड़ दिया, पक्का दरवाजा था काफी, वो दरवाजा तोड़ दिया। ग्रामीण टेकचंद सरकेक ने बताया कि उनकी गौशाला में दरवाजा तोड़कर भालू प्रवेश करने लगा और बाहर से ही भालू ने पंजों से गाय को जख्मी भी किया। इस दौरान गाय ने आवाज निकाली, दरवाजा टूटने का पता चला और वे बाहर निकले तो भालू भागा। तीन चार दिन में ही आसपास में पांच जगह गौशालाओं में पशुओं पर अटैक किया है, चार गाय मार भी दी है। उन्होंने बताया कि आज भालू पशुओं पर हमला कर रहा है, कल इंसान को भी शिकार बना सकता है, इसलिए लोग दहशत में है। गांव दलान, यहाँ पे जो है भालू का बहुत ज्यादा अटैक हो रहा है, पांच छह दिन से जो है लगातार छह सात गांवों के ऊपर जो है बहुत ज्यादा अटैक हो गया है। कल रात को ही हमारे घर में हमारे पशु इसमें जो है वो अटैक किया भालू ने, और दरवाजा तोड़ के जो है हमारी गाय को जो है बहुत बुरी तरह से डैमेज किया, लगभग जो है 40% जो है इसको डैमेज किया हुआ है। क्षेत्र के विधायक राकेश सिंह ने बताया क्षेत्र में पालतू पशुओं और भालुओं की हमले की घटनाएं सर्दियों से चली हैं, लेकिन एक हफ्ते से इन घटनाओं में इजाफा हुआ है। इस दौरान चार दूध देने वाली गाय अलग अलग स्थानों पर मार दी गई हैं। इस तरह गौओं पर आक्रमण बढ़ रहा है, आने वाले समय में भालू लोगों पर भी आक्रमण कर सकता है। ऐसे में इसकी जिम्मेदारी सरकार और वन विभाग की होगी। ये पिछले कुछ समय में, वैसे तो सर्दियों में कई आक्रमण भालू ने किए, लेकिन पिछले एक हफ्ते में बहुत अलग अलग गांव के अंदर इसी पंचायत के बहुत से जो किसान हैं उनके जानवरों पर आक्रमण किया है। चार जो बड़ी गायें हैं और जो अच्छा दूध देती है 20-25 लीटर का, उनकी भालू ने हत्या कर दी है। डीएफओ कोटगढ़ ने बताया कि स्थिति को देखते हुए जो भी मुनासिब होगा प्रयास तेज कर दिए हैं, पिंजरे भी लाए जा रहे हैं, टीम भी मंगवाई गई है, इसके अलावा अन्य विकल्प भी देखे जा रहे हैं, मारने की इजाजत नहीं है। उन्होंने बताया कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि देर सवेर घरों से लोग अकेले ना निकले, गौशालाओं के पास धुआं छोड़े, वो हम लोग करते भी हैं और हम चाहते हैं कि पब्लिक भी हमारा इसमें पूरा साथ दे। एक्शन ये होगा, दो टीम आ रही है अभी, एक रामपुर से आ रही है, एक शिमला से आ रही है। हम लोग पिंजरे भी ला रहे हैं, ट्रैंकुलाइज भी करने की हम कोशिश करेंगे। डीएफओ साहब को भी बुलाया गया है, इनकी कंसल्ट से जैसा भी होगा तुरंत कार्रवाई किया जाएगी, आज ही किया जाएगा उसमें।